नमस्कार इतिहास के शौकीनों, आज चलिए कुवैत की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं, जिसे अक्सर रेगिस्तान का हीरा कहा जाता है। फारस की खाड़ी के सिरे पर बसा कुवैत की कहानी उतनी ही समृद्ध है जितने उसके तेल के भंडार। चलिए इतिहास के एक पन्ने से शुरू करते हैं। आज की अपनी संपन्नता के उलट, कुवैत की शुरुआत इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान कारवां के लिए एक मामूली व्यापारिक चौकी के रूप में हुई थी। 20वीं सदी में तेल की खोज के बाद ही कुवैत की असली क्षमता सामने आई। इसने कुवैत को एक अपेक्षाकृत अनजान रेगिस्तानी इलाके से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में बदल दिया। लेकिन कुवैत सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, देश में एक जीवंत संस्कृति है जो अरब परंपराओं में गहराई से निहित है। अल मुबारकिया बाजार की चहल पहल भरी गलियों से लेकर कुवैत टावर्स की आधुनिक वास्तुकला तक, देश पुराने और नए को मंत्रमुग्ध कर देने वाले तरीकों से मिलाता है। अब बात करते हैं कुवैती लोगों के लचीलेपन की। 90 के दशक की शुरुआत में कुवैत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब पड़ोसी इराक ने उस पर हमला कर दिया। दुनिया ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को देखा, जिससे कुवैत की मुक्ति हुई। यह दौर हालांकि चुनौतियों से भरा था, लेकिन इसने अपने लोगों की अदम्य भावना को प्रदर्शित किया, जिन्होंने तब से अपने देश के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए अथक प्रयास किया है। हल्के फुल्के अंदाज में कुवैत अपने बाज पालने के शौक के लिए भी जाना जाता है, एक परंपरा जो हजारों साल पुरानी है। यहाँ यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह उनकी विरासत का एक हिस्सा है, इंसान और प्रकृति के बीच का एक बंधन जिसका गहरा सम्मान और पोषण किया जाता है। अंत में एक मामूली व्यापारिक चौकी से एक धनी तेल संपन्न राष्ट्र तक की कुवैत की यात्रा न केवल देश की आर्थिक ताकत का प्रमाण है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक जीवंतता और अपने लोगों के लचीलेपन का भी प्रमाण है। यह रेगिस्तानी हीरा चमकता रहता है, इतिहास, संस्कृति और मानव धीरज के पाठ पढ़ाता है। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आपने कुवैत के समय की रेत में इस यात्रा का आनंद लिया होगा। अगली बार तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।